देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। भाजपा ने 2019 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते आज फिरोजाबाद में भाजपा के संगठन मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कामों को बताया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पहली भारतीय सरकार है जो आजादी के बाद बनी है। वहीं गोरखपुर और फूलपुर की हार को अनैतिक गठबंधन से हार बताया। वहीं सपा बसपा को साफ नेवले का गठबंधन करार देते हुए 2019 में फिर जीतने की बात कही। क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पेपर है उसका नाम है द गार्जियन, बड़ा वरिष्ठ पेपर है, इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय है, अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लैंड निकलता है, लिखने वाले सब अंग्रेज है, इंग्लिशमैन है। एक आर्टिकल उसमें छपा 17 मई 2014। ये आर्टिकल लिखने वाला पत्रकार लिखता है, संवाददाता लिखता है कि भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद ये पहली भारत की सरकार बन रही है। मैंने जहां से पृष्ठभूमि शुरू की थी उस पृष्ठभूमि पे मैंने कहा था कि 2017 तक या 2014 तक हमारे देश के अंदर अनेक सरकारें, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की यात्रा है, तब क्या इस देश में सरकार नहीं बनी थी? तब क्या इस देश के अंदर सरकारें नहीं चली थी? नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, इंद्र देख रही है प्राइम स्टोरी।